ओई हाँ मचालो फिर पढ़ते हैं। कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं, गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के, बेवफा से अगर दिल लगाता नहीं। वैसे चार पंक्तियां मैं ये आपको समर्पित कर सकता था, शंभू भैया को समर्पित कर सकता था, सुदीप भैया को समर्पित कर सकता था, मनिका दुबे जी को समर्पित कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि हमारे कुनबे में जो श्रेष्ठ हो उसे अपनी गलती दिखाई जाए, अगर उस गलती पर वाह मिल जाए तो वो फिर गलती गलती नहीं रहती। मैं चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं और मन मांगता हूं कि लेके वैराग्य दुनिया से चल देंगे हम, तुम न लौटे तो अरमा मसल देंगे हम, तुमसे होकर जुदा यदि खुशी भी मिली तो उसको पांवों में रख कर कुचल देंगे हम, उसको पैरों में रख कर कुचल देंगे हम। मैं चार पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल ये अनुभूत कुछ लोगों को हो रही होगी, कुछ लोगों को कुछ कुछ दिनों के उपरांत होगी, तो मैं इसलिए ये चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है, प्रेम का कवि हूँ, प्रेम बहुत भाई साहब हल्के फुलके से शुरू होता है, लेकिन सच बताऊँ इतना हल्के में प्रेम को लिया जाता है कि धीरे धीरे पाँव भारी हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा, देख रहा था कि सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है, तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है, जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है, नशा आँखों से क्या उतरे पिलाए जाम बैठे हैं, बिताई साथ में मेरे भुलाए शाम बैठे हैं, मिलन आंसू में होता है हुए मगरूर इतना, हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं हमारे। वैसे ये धरा वो धरा है कि जहाँ से योगी बाबा निकले हैं और उनके जाने के बाद लोगों की मानसिकता क्या हो गई, हम अपने धर्म की जब बात कर रहे होते हैं तो किस तरह की विचारधारा हो गई। मैं एक चार पंक्तियों में टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी कल मैं एक टिप्पणी करता हूँ कि जिन्हें के सब कोई कहता कन्हाई है, भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है, अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है, कहेंगे लोग यादव बहुत अच्छे मगर यह भाजपाई है। अगर धर्म की बात हो ही गई है तो मैं दो छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी देखना है और श्रृंखला अभी हमको बाबूजी को सुनना है। मैं दो छंद आपके बीच रखता हूँ कि पंच तत्व में विलीन। मैं ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजन करो, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर चरित्र का पूजन कर लेंगे तो आने वाला भारत एक सुनहरा भारत हो सकेगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए, पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए, भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए, चित्र ना लगा
चरित्र खींच लीजिए, राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा जा रहा था कवि की कल्पना है, राम राम का जन्म ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि उस अयोध्या की बात तुलसीदास बाबा ने नहीं की होगी, वाल्मीकि जी ने उस अयोध्या की बात नहीं की होगी जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर कहाँ है, कहाँ है राम, मैं दर्शन करवाना चाहता हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि राम कल्पना है सिर्फ, मानते भले हो किंतु, जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए। उर में बसा के चित्र, चित्त को करो पवित्र, दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम, तन है अयोध्या इसको संवार लीजिए। आप खुद राम 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 बनने लगोगे, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए। चार पंक्तियां मैं आदरणीय और पढ़ देता हूँ क्योंकि सैनिकों के पक्ष से कुछ बात निकली। हम लोग कवि हैं, केवल लिखने की अनुभूत कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रियल पोएट जो पोएट्री है उसका दर्द जो होता है वो कहाँ होता है। मैं चार पंक्तियों में परिभाषित करते हुए स्थान लेता हूँ जी। कि पल में जागता है, पल में सोता है, पल में जागता है, पल में सोता है, माँ से छुप छुप के बाप रोता है, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता है। क्या बात है, बेटा वाह 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 वाह।